नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है, आपको देखते ही पता चल गया होगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल आपको दिखने में लग रही होगी ये करी, अंडा करी। और इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में और सादा सिंपल तरीके से बिना मिक्सी के जार के ग्राइंड करूँ इसकी ग्रेवी तैयार की है। तो आइए बनाना शुरू। हमें पानी ले रहे, पानी इतना लेना है कि अंडे हमारे डूब जाने चाहिए। और इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच नमक, इससे क्या है कि अंडे थोड़े से हमारे बॉयल होते समय चटकेंगे नहीं। और इसमें मैंने अंडे को अच्छे से धो लिया है और अंडों को हम धीरे से रखेंगे इसमें, बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी हमने ऊपर से इनको डाल दिया तो ये चटक जाएंगे, पता भी नहीं चलता। तो धीरे से अंडे को रख देते हैं और कम से कम 10 से केवल 12 मिनट के लिए बस इन्हें बॉयल करेंगे, जिससे कि अच्छे से हमारे अंडे बॉयल हो जाए। जब तक हमारे अंडे बॉयल होते हैं, जब तक हम इसके लिए ग्रेवी की तैयारी कर लेते। हमारे अंडे बॉयल हो रहे हैं जब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। और आज बिल्कुल हम देसी तरीके से सादा सिंपल तरीके से ग्रेवी बनाएंगे, ना मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे ना कुछ। तो इसके लिए मैंने ये अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है, जो कि हम इसको सिलवट्टे पर हम पीसेंगे। आप चाहो तो जो खल्लड़ होता है उसमें भी आप इसको कूट सकते हो। और इसमें ले लिए मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं। ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं अंडे के हिसाब से ग्रेवी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कट कर देती हूँ और टमाटर को 2 भागों में कट करेंगे। और इसको मैं कद्दूकस कर लेते हैं, इससे क्या है कि इस टमाटर बिल्कुल हमारे फाइन चॉप, चाहो तो फाइन चॉप भी कर सकते हो, पर इससे थोड़ा अच्छी रहेगी हमारी ग्रेवी। तो ये तो टमाटर को मैं उठा देती हूँ, इस तरीके से हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा बिना मिक्सी के। तो मैं टमाटर को इसी तरह से कर लेते हैं। और ये मैंने 3 प्याज ले ली हैं, ये मीडियम साइज़ की मेरी प्याज हैं। और इनको आप चाहे बारीक चॉप कर सकते हो, या आप जो भी हमने टमाटर कद्दूकस किए थे इस तरह से प्याज को भी कद्दूकस कर सकते। देखिए प्याज मैंने चॉप कर ली है बिल्कुल बारीक। ये हमारी टमाटर की ग्रेवी, 3 मैंने प्याज ली थी और ये मेरे 3 टमाटर बड़े साइज के थे। और ये हमारा अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी बनकर तैयार है, जिसको मैंने सिलवट्टे पर पीसा है। ये अंडे हमारे 10 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए, 10 से 12 मिनट। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अंडे मेरे बॉयल हो गए थे, 10 से 12 मिनट ही लगे हैं घड़ी से मिलाकर। और अब मैं क्या करूँगी, एक अंडा लेंगे और अंडे में इस तरह से हम कट लगा देंगे। इससे क्या है कि जो मसाले की जो ग्रेवी वगैरह होती है ना, वो अंदर तक इसमें उसका फ्लेवर चला जाए। तो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही हम इसमें इस तरह से कट लगा देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ज़्यादा नहीं है, करीब 1 या 2 ही चम्मच तेल है इसमें। सर ये मैंने अंडे ऐड कर दिए हैं और अंडों को थोड़ा सा सेक लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान से ही और हल्के से हाथों से इनको अलट पलटेंगे, क्योंकि अंडे हमारे टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए थोड़े से हमारे ये हमने मतलब थोड़ा सा सेक लिया अंडों को। और अब इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा नमक है, बहुत कम नमक, और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा जाएगा लाल मिर्च पाउडर। चाहे आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको हल्के से हाथों से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि अंडों का कलर। अब देखिए गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। सेम कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया इसी में, जिसमें मैंने अभी अंडों को थोड़ा सा फ्राई किया था। इसमें डाल लूँगी एक ये दालचीनी का टुकड़ा और एक जाएगी ये बड़ी इलायची। और एक जाएगा तेजपाल का पत्ता और इसमें जाएगी एक हरी मिर्ची, जिसको मैंने इस तरह से 3 पीस में कट कर दिया है। और इसमें ऐड करेंगे हम प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और प्याज को हम गैस की फ्लेम को लो करके प्याज को भुनने देते हैं, क्योंकि अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई कर देंगे तो प्याज हमारी क्या जल जाएगी और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो करके प्याज को हम भुनने देते हैं। ये प्याज अभी हमारी आधा भुनकर तैयार हुई है। अब इसमें मैं हरी मिर्च, अदरक,
और जो हमने लहसुन का पेस्ट तैयार किया था ना पीस कर, इसको भी ऐड कर देते हैं साथ में। ये भी हमारे भुनकर तैयार हो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को लो करके प्याज को अभी, और ये प्याज भुनकर हमारी तैयार है। अब इसमें हमें जो टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार की थी इसको मैं ऐड कर देती हूँ। और ये दोनों चीज़ों को जब तक भूनना है जब तक कि ये तेल हमारा इनसे अलग नहीं हो जाता। देखिए प्याज टमाटर वगैरह सारे हमारे भुनकर तैयार है। और ये देखिए तेल अलग होने लगा है, यानी कि सारी चीज़ें हमारी भुनकर तैयार हैं। जब तक इस टमाटर वगैरह अच्छे से नहीं भुनते जब तक ग्रेवी में टेस्ट स्वाद नहीं आता। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि मैंने हल्दी पाउडर लिया है आधा चम्मच से कम, एक चम्मच धनिया पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ, और ये आधा चम्मच गरम मसाला। मसाले आप अपने आप से कम ज़्यादा कर सकते हो। मसाले मैंने ऐड कर दिए, इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, नहीं तो मसाले क्या है हमारे जलना चालू हो जाएगा। और मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। अभी मसाले वगैरह भुनकर हमारे तैयार है, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अंडे हमारे फूटने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आराम से इस तरह से। और ये हमारी ग्रेवी लग रही है ना, ये ऐसा लग रहा है हमने मिक्सी के जार में इसको हमने पीसा है। पर देखिए ये हाथ से ही कटी हुई प्याज वगैरह की हमारी ग्रेवी ये तैयार है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा कलर के लिए। और इसको थोड़ा सा अभी पकने देते हैं इसको ढककर। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। बढ़िया एकदम, क्या कलर आया एकदम। और देखिए, और ग्रेवी हमें इतनी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा रखेंगे ना अभी इसको तो ठीक हो जाएगी ये। तो ग्रेवी थोड़ी इसकी ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, ये नॉर्मल है हमारी ग्रेवी। और ये हमारे सादा सिंपल तरीके से अंडे की करी बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी ली है मैंने, हाथ से इसको क्रश करके थोड़ा डाल दिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इसमें आएगा ये धनिया की पत्ती, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे हल्के से हाथों से। देखिए क्या बढ़िया एकदम ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। और बिल्कुल देसी स्टाइल में हमको अंडे करी बनाया है। देखिए, और गैस को मैं ऑफ करके सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेती हूँ। एक बाउल में हम निकाल लेते हैं ये गर्मा गर्म हमारी अंडे की करी। ये थोड़ा सा मैं धनिया से गार्निश कर देती हूँ, जिससे कि देखने में भी ये हमारी अंडा करी अच्छी लगे और खाने में तो ये टेस्टी बनती है। और ये सादा सिंपल तरीके से बनाई हुई अंडा करी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।